स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखिए, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लुइजी गैल्विनी ने बनाया था। फिर बाद में एलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बनाया था। फिर इसको डेनियल ने बनाया था। तो अभी हम जो पढ़ते हैं वो डेनियल सेल है, ठीक। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो सबसे सिंपल सेल होता है वो डेनियल सेल होता है, जिसका डायग्राम आपको मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने 11th में भी स्टडी किया होगा और अभी भी आप इसको पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है दिमाग में उठते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है, अगर आपको यहाँ मोबाइल स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है कि ये देखिए ZN है और यहाँ पर ये कॉपर Cu इलेक्ट्रोड है, तो ZN एनोड क्यों होता है और Cu कैथोड क्यों होता है? ये भी तो एनोड हो सकता है या ये कैथोड हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये एनोड और ये कैथोड क्यों होता है? तो बहुत सारे रीज़न अभी आपको पता चलेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन बताऊं। देखिए, इसके कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर हम यहाँ पर ये देखिए, इसमें ZnSO4 सॉल्यूशन को फिलअप कर देते हैं और इसमें जिंक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाफ सेल। सिमिलरली हम यहाँ पर भी एक कंटेनर लेते हैं, इसमें CuSO4 सॉल्यूशन भर देते हैं और उसमें Cu इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, तो ये भी हाफ सेल हो गया और ये भी हाफ सेल हो गया। अब दोनों हाफ सेल को कंप्लीट सेल बनाने के लिए हम दोनों को सॉल्ट ब्रिज से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जिससे ये दोनों सॉल्यूशन आपस में क्या होते हैं, इनडायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं इनको हम एक विद द हेल्प ऑफ कॉपर वायर इस गैल्वेनोमीटर है ना, इससे या वोल्ट मीटर से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रोड भी क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो ZN है ये एनोड है और Cu यहाँ पर कैथोड है, लेकिन ये क्यों है? तो देखिए, मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या होता है। देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल पहले आती है वो एनोड होता है, जो मेटल बाद में आती है या जो एलिमेंट बाद में आता है वो कैथोड होता है। अब देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन है, ZN और Cu। हमको ये पता करना है इसमें एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो मैंने क्या बताया आपको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल और एलिमेंट पहले आएगा वो एनोड होगा, जो बाद में आएगा वो कैथोड होगा। तो चलो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं। देखिए, ली क बा सर का द मग अल मन जन, ये देखिए ZN आ चुका है, जन कर फी कड को नाई सन पब है तू क्यू, ये देखो Cu बाद में आया। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई भी आपसे पूछता है कि दो मेटल हैं इसमें एनोड कौन है और कैथोड कौन है, तो आपका जवाब होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि हम लिथियम से F2 की तरफ मूव कराते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है कि जो भी एलिमेंट और मेटल पहले आएगा वो एनोड होगा, जो बाद में आएगा वो कैथोड होगा। ये देखिए, लीक बासर काना बगल मंजन, देखो ZN पहले आ रहा है तो ये क्या होगा डियर, एनोड। Cu क्या हो रहा है, बाद में आ रहा है, तो ये क्या हो गया डियर, कैथोड।
तो ये एक प्रॉब्लम आपकी जो है सॉल्व हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जेडेड इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड, और सीयू इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड। अब एक दूसरी प्रॉब्लम और क्रिएट होगी आपको कि सर ये जो जेडेड है इस पर नेगेटिव साइन होता है, ये देखिए, और यहाँ पर जो कैथोड है उस पर पॉजिटिव साइन है, ये कौन सा साइन है डियर, पॉजिटिव साइन है, ऐसा क्यों? तो देखो मैं आपको बता दूं कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल और एलिमेंट पहले आता है वो मोर एक्टिव होता है, जो बाद में आते हैं वो लेस एक्टिव होते हैं। तो जो मोर एक्टिव होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस सीयू के कंपैरिजन में जेडन में इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए एनोड होगा और ये क्या होगा डियर, कैथोड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जेडन पर माइनस साइन क्यों है, तो मैंने बताया ना कि जेडन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देखो कैसे, सपोज ये एक इलेक्ट्रोड है और ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, जेडन। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये देखिए ये जेडन इलेक्ट्रोड है। अब जेडन इलेक्ट्रोड, ये जेडन इलेक्ट्रोड है, तो जेडन जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये देखिए सॉलिड है, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ये, तो ये क्या बनाएगा, जेडन टू पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो ये जेडन टू पॉजिटिव आयन जाएंगे कहाँ, वो सॉल्यूशन में जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है ये जेडन इलेक्ट्रोड किस में डिप है, ये देखिए ये जेडन एसओ फोर सोल्यूशन में डिप है। ठीक है, तो जब ये जेडन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा, जेडन टू पॉजिटिव बनाएगा। तो जेडन टू पॉजिटिव जाएंगे कहाँ, इस इलेक्ट्रोड के अराउंड इस तरह से आ जाएंगे, ये देखिए। जब इस तरह से आ जाएंगे इसका मतलब क्या निकला कि इलेक्ट्रॉन तो यहीं रह जाएंगे, इन्हें नेगेटिव साइन तो क्या होगा, वो यहीं पर रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए क्या, कि जब जेडन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो जेडन टू पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, तो जेडन टू पॉजिटिव तो सॉल्यूशन में चले जाते हैं मगर नेगेटिव साइन कहाँ, इस इलेक्ट्रोड पर ही रह जाता है। इसीलिए इसको हम क्या मानते हैं, एनोड को नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्या आइडिया, नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव है तो कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, क्यों, क्योंकि इसके अराउंड जो है क्या, नेगेटिव आयन जो है प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए ये कैथोड पॉजिटिव होता है। इस इलेक्ट्रोड के अराउंड पॉजिटिव आयन रहते हैं इसलिए नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों हाफ सेल को हम इस सॉल्ट ब्रिज लगाकर इसको कंप्लीट सेल बनाते हैं, तो सॉल्ट ब्रिज मालूम क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज में ये KCl है, इन्हें सॉल्ट है। ठीक है, तो इसमें K पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। ठीक, तो ये आयंस का मूवमेंट होता है इसमें, Cl नेगेटिव इस सॉल्यूशन में आएगा और ये K पॉजिटिव इस सॉल्यूशन में आएगा, तो एक कंप्लीट सर्किट हो जाएगा क्या, यहाँ से लगा के यहाँ तक एक कंप्लीट सर्किट हो जाता है। तो सॉल्ट ब्रिज लगाने से क्या होता है कि दोनों सॉल्यूशन का कांटेक्ट तो हो जाता है, ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली ये दोनों सॉल्यूशन आपस में क्या कांटेक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि ये आयन इधर मूव करेगा ये आयन इधर मूव करेगा, लेकिन इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू ये सॉल्यूशन इधर से इधर नहीं जा सकता, ये सॉल्यूशन इधर से इधर नहीं जा सकता। आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि सॉल्ट ब्रिज में हम ऐसे सॉल्ट लेते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन लेते हैं ऐसे लेते हैं कि जिनका है ना वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम हो, यानी जितनी स्पीड से Cl नेगेटिव इधर आएगा उतनी स्पीड से और उतने ही टाइम से के पॉजिटिव इस सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, आपने देखा होगा सॉल्ट ब्रिज में कभी भी हम NaCl नहीं लेते, क्यों, क्योंकि Na की और Cl दोनों की स्पीड क्या रहती है, डिफरेंट डिफरेंट रहती है, इसलिए सॉल्ट ब्रिज में NaCl को हम यूज़ नहीं करते हैं, हम किसको यूज़ करते हैं, KCl को। ठीक है, अब हम आगे चलें। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर से बोल रहा हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो एनोड से हमेशा कैथोड की तरफ होगा, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है इस तरफ से, ये कहाँ जा रहे हैं,
कैथोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एनोड से अगर कैथोड की तरफ होगा तो याद रखो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हमेशा अपोजिट होता है, यानी कहाँ से होगा, कैथोड से एनोड की तरफ होगा। ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लो। ये देखो कन्वेंशनल करंट कहाँ आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखिए इस तरफ, ये देखिए इधर आ रहा है। वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ, यानी कि एनोड टू कैथोड। और कन्वेंशनल करंट कहाँ आ रहा है, कैथोड टू एनोड, ठीक है। तो ये देखो आपको बिल्कुल इसके सारे के सारे पॉइंट जो है आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बात ये आती है, देखा होगा आपने कि ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज को बनाते कैसे हैं। तो अब आप एक बात पर ध्यान रखिए कि ये सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड, यानी कि अभी तो ये उल्टी है तो इसको बोलेंगे हम इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं, हॉट एंड कंसंट्रेटेड ये KCl सॉल्यूशन लेते हैं और साथ में हम 3%, रिमेंबर इन योर माइंड, 3%, अगर अगर ये देखिए, अगर अगर सॉल्यूशन लेते हैं, अगर आपके पास अगर अगर सॉल्यूशन नहीं है तो आप जिलेटिन ले सकते हो, ठीक। अब ये अगर अगर सॉल्यूशन और जिलेटिन हम क्यों मिलाते हैं, क्योंकि जब इस कंप्लीट सॉल्यूशन को हम कूल करते हैं तो वो सेमी सॉलिड की फॉर्म में क्या होता है, सेट हो जाता है। तो ये अगर अगर सॉल्यूशन या फिर जिलेटिन सेमी सॉलिड पेस्ट बनाने में हेल्प करता है, इसीलिए हम अगर अगर और जिलेटिन इनमें से किसी एक को हॉट एंड कंसंट्रेट KCl सॉल्यूशन में मिलाते हैं, ठीक है। अब आप एक बात पर जरा गौर करें कि ये अगर अगर सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। कभी कभी तो टीचर भी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, ठीक है, उनसे पूछो अगर अगर सॉल्यूशन क्या होता है तो अवॉइड कर देते, टाल देते हैं, बताते ही नहीं है, जिलेटिन पर आ जाते सीधे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता हूँ, ये अगर अगर क्या होता है, आप हमेशा दिमाग में रखिए सी वीड्स, यानी कि जो समुद्री घास होती है उसमें क्या पॉलीसेकेराइड होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एगरोज, ये देखिए एगरोज होता है, और दूसरा होता है एगरो पैक्टिन, ये देखिए ये दो तरह के पॉलीसेकेराइड होते हैं, ठीक है। पहला नाम क्या है, एगरोस, दूसरा है एग्रोपैक्टिन। तो हमने क्या किया, इसके आधा वर्ड यहां से ले लिया और आधा वर्ड हमने यहां से ले लिया, ये देखिए अगर अगर, ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, अगर अगर सॉल्यूशन। अब आपको हमेशा के लिए क्लियर हो गया कि अगर अगर सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि सुनो सी वीट्स में जो पॉलीसेकेराइड होते हैं एगरोस और एग्रोपैक्टिन, उसको हम बोलते हैं क्या, अगर अगर, ठीक है। अब आपको ये भी क्लियर हो गया। अब यहां पर एक बात को जरा दिमाग में रखिए, देखिए कि इस सेल में ये जो ZN है ये एनोड है, ठीक है। तो आप जरा देखिए इसकी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं फटाफट, ये देखिए 8 एनोड, ये देखिए 8 एनोड। अब आपको पता है एनोड पर क्या होता है डियर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं एनोड पर डियर होता है ऑक्सीडेशन, ये देखिए मैंने लिख दिया ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूज होते हैं। तो ये देखिए जो ZN है जो सॉलिड होता है ये क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये देखिए इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और अब हमको क्या मिलेगा, Zn2+ मिलेगा, जो कहाँ चला जाएगा, इस सॉल्यूशन में, ये देखिए Zn2+ आ गया, ठीक। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आउटर सर्किट से कहाँ चले जाएंगे, कैथोड पर चले जाएंगे, नहीं यहाँ आ जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा ध्यान रखें कि इसके अंदर जो CuSO4 सॉल्यूशन है, तो जो CuSO4 सॉल्यूशन है ये इस तरह से आयोनाइज होता है, कैसे, ये देखिए Cu2+ और SO4 2- में आयोनाइज होता है। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आते हैं उनको लेने के लिए ये Cu2+ क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है इसके चारों तरफ, देख कैसे। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे 8 कैथोड, और आपको पता है कैथोड पर डियर क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है, ये देखिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पर रिडक्शन,
ये देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने रिडक्शन, इस तरह से ये हो गया रिडक्शन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो गेन कौन करेगा, मैंने बताया ना, सी टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाएगा कहाँ पर, इस इलेक्ट्रोड पर, सी यू इलेक्ट्रोड पर। तो देखिए ये सी यू टू पॉजिटिव एक्वस, ये उस टू इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए वहाँ जाएगा, और सी यू सॉलिड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये रॉड जो है, ये रॉड धीरे धीरे मोटी होने लगती है। ये देखिए ये रॉड क्या होने लगती है, धीरे धीरे ये मोटी होने लगती है। ये मोटी रॉड क्यों हो रही है, क्योंकि सी यू एसओ फोर में प्रेजेंट जो सी यू टू पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में सी यू में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सी यू में कन्वर्ट होगा तो ये रॉड अब पहले से ज़्यादा क्या हो जाएगी, मोटी होती जाएगी, यानी साइज का क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ऑन द अदर हैंड ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जब ये जेड एन टू पॉजिटिव आयन बनाता है तो धीरे धीरे ये रॉड क्या होती जाती है, ये पतली होती जाती है। ये देखिए थोड़ा साइज मैंने इसका यहाँ से कम कर दिया। ये देखिए रॉड क्या होती जाएगी, धीरे धीरे ये कम होती जाती है। ठीक, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो ये इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्रोसेस होता है। अब देखिए क्या होगा, आपको पता है एनोड पर ये वाली रिएक्शन हुई, कैथोड पर ये रिएक्शन हुई। अब हम इसकी टोटल यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब एक साथ लिख लो इसको, ये देखिए जेड एन एस, फिर इसको लिख लो सी टू पॉजिटिव एक्वस, फिर एरो यहाँ पर हो जाएगा जेड एन टू पॉजिटिव एक्वस, और फिर साथ में ये सी यू सॉलिड। ठीक, अब इतना ज़रूर आप दिमाग में रखिए कि इस सेल में ये हो गई इसकी रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम सिंबल में कैसे लिखते हैं। तो आपको पता है सिंबल में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले लिखते हैं हम एनोड, फिर क्या लिखते हैं हम उसको, एनोडिक सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर लगाते हैं हम सॉल्ट ब्रिज, फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, कैथोडिक सॉल्यूशन, और फाइनली क्या लिखते हैं हम, कैथोड। ये देखिए तो आपको पता है एनोड कौन था, जेड एन, है ना, जेड एन सॉलिड एनोड था। एनोडिक सॉल्यूशन कौन होता है, जिसमें जेड एन इलेक्ट्रोड डिप होता है। तो डिप किस में हो था, वो जेड एन एसओ फोर में। तो हम जेड एन एसओ फोर को चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जेड एन टू पॉजिटिव एक्वस भी लिख सकते हैं, या फिर जेड एन एसओ फोर लिख लो। हाँ, और ये सॉल्ट ब्रिज ऐसा कैसा आ गया। अब कैथोड आपको पता है कैथोड कौन था, सी यू सॉलिड, और कैथोडिक सॉल्यूशन कौन होता है, जिसमें सी यू इलेक्ट्रोड डिप होता है। आपको पता है सी यू एसओ फोर लिखो चाहे सी टू पॉजिटिव एक्वस लिखो, तो बात एक ही हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये डेनियल सेल की सेल रिएक्शन हो गई। मगर ध्यान दीजिएगा जब इसको लिखो तो जेड एन पर नेगेटिव साइन लिख देना यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस साइन लिख देना। इससे पूरे सेल के बारे में पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, देखो ऐसे कि सबसे पहले हम एक कंटेनर लेते हैं, उसमें जेड एन एस ओ फोर सोल्यूशन में जेड एन इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, तो ये हाफ सेल होता है। इसमें जेड एन इलेक्ट्रोड एनोड का बिहेव करता है, जिस पर माइनस साइन होता है। दूसरी तरफ अदर कंटेनर होता है, जिसमें सी एस ओ फोर सोल्यूशन होता है, और उसमें सी यू इलेक्ट्रोड डिप होता है, और सी यू इलेक्ट्रोड कैथोड यानी पॉजिटिव का काम करता है। और दोनों को हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं, है ना। ठीक है, ये कंप्लीट सेल हो जाएगा। अब इस सेल का वोल्ट जो होता है डियर, याद रखना 1.10 वोल्ट होता है। ये हमेशा दिमाग में रखो। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा दिमाग में रखना आप लोग। कई बार ऐसा होता है टीचर उस पॉइंट को क्लियर नहीं करता, तो उसको अभी अपन लोग क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, आपने नर्स इक्वेशन में पढ़ा होगा। आप नर्स इक्वेशन में जानते हैं नर्स इक्वेशन था क्या, तो नर्स इक्वेशन में एक बात का ध्यान रखिए। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ई सेल की जो वैल्यू होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस। ये दिमाग में रखिए, किसने कहा था, ये नर्स ने कहा था। क्या कहा था, कि मोलार कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस जितना ज़्यादा होगा उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, अब जरा देखिए यहां पर क्या हो रहा है। आप देखिए
कि यहां पर ये जो Zn2 पॉजिटिव है इसका आपको वैल्यू पता होगा कितना होता है डियर। ये देखिए लिख देता हूं मैं, ई नॉट सेल लिख रहा हूं मैं, किसका मैं लिख रहा हूं, Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn का कितना होता है, -0.76 वोल्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। और दूसरा यहां पर जो Cu है ना, इसका कितना होता है, ये देखिए ई नॉट Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu, इसकी वैल्यू होती है +0.34 वोल्ट। अब बहुत ध्यान से देखना यहां पर क्या हो रहा है, जब इस Zn इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होता है तो Zn2 पॉजिटिव आयन इसके सॉल्यूशन में आते जाते हैं, और जब इसके सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव आयन आएंगे तो क्या होगा, E0 वैल्यू क्या होगी, इसकी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअसली इसमें Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब कंटिन्यूअसली Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका E0 वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इस तरफ देखो क्या हो रहा है, यहां पर जो CuSO4 सॉल्यूशन होता है उसमें Cu2 पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाती है। क्यों, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट होता जाएगा, तो इसकी जो E0 वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। देखो दिमाग में रखो एक बात, Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है Zn2SO4 में, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, राइज ऊपर की तरफ बढ़ेगी, इसका E0 वैल्यू क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि Zn2SO4 में Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो E0 वैल्यू क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी। इधर देख रहे हो Cu2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है CuSO4 सॉल्यूशन में, तो इसकी E0 वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब दोनों की E0 वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी कि सिमिलर हो जाएगी, तो उस समय जो ये सेल है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोसीड, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, तो उस समय ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी सेल में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तब होता, तब तक रहता है जब तक कि दोनों इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि ई सेल की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज मालूम क्या करता है, सुनो, इसके अंदर आपको पता है KCl है, तो जो Cl नेगेटिव आयन है वो इस Zn टू पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करता है। कैसे, ZnCl2, 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 ZnCl2 बनाकर, जिसकी वजह से इस कंटेनर के अंदर Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होती है। उसी तरह से आपको पता है कि इस CuSO4 में Cu तो कन्वर्ट हो जाता है, यानी Cu2 पॉजिटिव तो Cu में कन्वर्ट हो जाता है, मगर SO4 2 नेगेटिव आयन यहाँ बहुत सारे क्या रिमेंस रहते हैं, बचे हुए रहते हैं, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो K पॉजिटिव है, K2SO4, K2SO4, K2SO4 बनाता जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। और यही वजह है कि इस सेल में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंटिन्यूअसली रहता है। तो किसकी वजह से रहता है, वो सॉल्ट ब्रिज की वजह से रहता है। क्योंकि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, यहाँ जो Zn टू पॉजिटिव है ना, इस सी एल नेगेटिव से रिएक्शन करके ZnCl2 बना के उसको न्यूट्रलाइज करता जाता है, यानी ये पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होने देता, और इधर SO4 2 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज नहीं हो पाती है। क्यों, क्योंकि जो K पॉजिटिव ऐसे रिएक्शन करके K2SO4 कंटिन्यूसली बनाते रहता है। इसीलिए इस डेडल सेल में जिंक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन का फ्लो करता रहता है और Cu इलेक्ट्रॉन का गेन करता रहता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली चलती रहती है, चलती रहती, चलती रहती, कब तक, जब तक कि ये रॉड पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये आपको अब बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि डेडल सेल वास्तव में उसका रियलिटी क्या है ना। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।